अच्छा तो दोस्तों ये हमारे पास ये इंडियन असेंबलीज अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ इसका मैं ये थ्राटल बॉडी भी मौजूद है, ये मैनिफोल्ड्स भी मौजूद है इसका, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा पीछे है उसकी इंजेक्टर्स वगैरह। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हो चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई से नई वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बेसिकली है एवरी सुजुकी एवरी के जो इंजन है तो उन पर बना रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको मैंने बताया होगा कई वीडियोस में कि हम होंडा और टोयोटा का काम करते हैं, मगर इधर की मुनासिबत से ना हमारे एरिया में एवरी का भी बहुत काम है। तो इससे हम दो इंजन लेके आए हैं, इंजन असम्बलीज लेके आए हैं। तो आइए उसका आपको रिव्यू भी करवाते हैं। और उसके अलावा अगर किसी भाई को वो दो इंजन हमारे पास मौजूद हैं उसकी कॉइलें लेनी हो और अगर उसकी आपने इंजेक्टर्स लेने हो, उसके बाद सेंसर्स, क्रैंक सेंसर, कोई भी सेंसर उसका लेना हो, अगर इंजन असेंबली भी लेनी हो तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी, तो बारियात कीमत से मिल जाएगी हमारे पास। आए इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आए आपको जो है ना रिव्यू करवाते हैं जो हमारे पास इंजन असेंबलीज पड़ी हुई हैं, तो बकाया इंशाल्लाह देखते हैं। आए अच्छा तो दोस्तों ये हमारे पास ये इंजन असेंबलीज अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ इसका मैं ये थ्राटल बॉडी भी मौजूद है, ये मैनिफोल्ड्स भी मौजूद है इसका, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा पीछे है उसकी इंजेक्टर्स वगैरह और कॉइले वगैरह भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये काबिली इंजन है, 100% काबिली है, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको। ये दूसरा इंजन हमारे पास, ये देख सकते हैं, ये देख लें, ये आपके पास सामने है सारा कुछ। ये इसके इंजेक्टर्स हैं, इसके अंदर ये इसके अंदर कॉइलें होती हैं, ठीक है। तो ये भी तकरीबन कंप्लीट है इंजन, ठीक है। जस्ट उसके साथ बस ना वो है नहीं है, ये इंजेक्टर्स भी हैं, सब कुछ है, बस गियर नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो गियर इसके अंदर बेसिकली ऑटो गियर आता है, ठीक है। तो ऑटो गियर अभी हमने ये दो इंजन ही ले के आए हैं, देखते हैं अगर ये चलते हैं, अगर ये मार्केट में चलता है हमारे पास तो इंशाल्लाह इसका आगे इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सेंसर वगैरह अगर किसी को चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगेन ये देख सकते हैं, ये दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं सुजुकी के लिहाज से, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर हमें इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पांस मिला तो इंशाल्लाह इसका भी काम साथ साथ स्टार्ट करेंगे, एवरी का भी, ठीक है। तो कॉइले और इंजेक्टर्स अवेलेबल हैं और कुछ सेंसर्स जो इसके, ये सेंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ भी कोई भी सेंसर अगर इसके मुतल्लिक हो, इस इंजन के मुतल्लिक होगा वो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, वो आपको मिल जाएगा, उसका मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं इंजन तसल्ली वाले हैं, बकाया इंशाल्लाह जब लगेगा इंशाल्लाह बकाया आपको उस वक्त पता लगेगा, ठीक है। ये दो इंजन लेके आए हैं, 2012-13 मॉडल में ये लग जाते हैं, ठीक है। अल्ट्रेशन वगैरह हो के भी लग जाते हैं, ठीक है। तो जो भाई इस पे जो है ना इंटरेस्ट रखता है तो वो हमें डीएम करे, मैसेजेस करे, हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉल करे, हमसे रब्ता करे, इंशाल्लाह उसे बहुत अच्छी जो है ना मुनासिब कीमत में ये दे देंगे इंशाल्लाह। तो रिस्पांस देखते हैं, अगर ये इसका रिस्पांस अच्छा आया एवरी वाले काम का तो इंशाल्लाह हम ये भी साथ साथ शुरू कर देंगे। तो इस वीडियोस को भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो इंशाल्लाह जो जिस भाई को ज़रूरत हो तो वो उसके ताकि ये वीडियो पहुंचे तो वो हमसे आके परचेज़ कर ले। तो भलवाल में जितने एवरी लवर्स हैं या एवरी जिन्होंने रखी हुई है तो उनके लिए ये पैगाम है जी, हमारे पास दो इंजन आ चुके हैं, अगर कोई करवाना चाहता है इसको तो इंशाल्लाह फिट भी कर देंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट।